बहुत ही अच्छा सा एक प्रतिमा बना हुआ है यहाँ पे भोलेनाथ का, एंट्री के साथ ही बहुत ही प्यारा एंट्रेंस है, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। पर देखिए छोटे छोटे जो हर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर, अंदर से कुछ ऐसा है ये ज्यादातर कपल्स ही प्रेफर करते हैं मेरे ख्याल से। इधर लाइन से ऐसे ऐसे हर्ट्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा है अंदर से, बहुत ही अच्छा, और एक बहुत ही डिम लाइट है और बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको डिम लाइट में खाना है तो आप वहाँ पर आनंद ले सकते हैं खाने का अपने, लेकिन हमको यहाँ पर ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो ये देखिए प्लेट रेडी हो गया है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ हॉट लिप्स में, और ये हॉट लिप्स का कामड़े वाला ब्रांच है। जो हॉट लिप्स का ये वाला ब्रांच रातू रोड से आगे बढ़ने पे कामड़े आता है, तो कामड़े में है ये, और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही बड़ा है। हॉट लिप्स हीनू में भी है, वो छोटा है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। हम आपको पूरा दिखाएंगे अच्छे से, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, आइए। ये देखिए ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए इस साइड में यहाँ पे भोलेनाथ का एक बहुत ही प्यारा सा फोटो है, बहुत ही अच्छा सा एक प्रतिमा बना हुआ है यहाँ पे भोलेनाथ का, एंट्री के साथ ही बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। और इसको हाँ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए अच्छा। हाँ एंट्रेंस बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा एंट्रेंस है। और ये देखिए बहुत ही स्पेशियस है, इस साइड में झूले वगैरह भी बने हुए हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो आपको ये सारे झूले भी बच्चों के लिए मिल जाएंगे झूलने के लिए। क्या ही कहना है, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि सीटिंग के बहुत सारे अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है बनाया हुआ और बहुत ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हम मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो हर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। चलिए अब अंदर से देखते हैं इसको, ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा है ये। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं आपको कुछ, या फिर कपल्स आ रहे हैं, तो ये प्लेस बहुत ही बेस्ट है कपल्स के लिए, है ना खुशबू? ये ज़्यादातर कपल्स ही प्रेफर करते हैं मेरे ख्याल से, फैमिली तो नहीं करती होगी शायद। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, ये देखिए इधर लाइन से ऐसे ऐसे हर्ट्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो काफ़ी है। मैंने हर्ट्स वाला साइड आपको दिखा दिया है, अब मैं दिखाती हूँ दूसरा साइड जहाँ पर, वहाँ भी सिटिंग का अरेंजमेंट है, आइए दिखाते हैं। ये देखिए इधर भी सिटिंग का अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छा है, चलिए दिखाते हैं इसको अंदर से, आइए। ये देखिए बहुत ही प्यारा है अंदर से, बहुत ही अच्छा, और एक बहुत ही डिम लाइट है और बहुत बढ़िया लग रहा है सच में, क्या ही कहना है। इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे प्यारा सा एक्वेरियम भी है, तो बहुत अच्छे से इसका इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हॉट लिप्स का ये कामड़े वाला ब्रांच कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मुझे तो लगा, है ना खुशबू? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा रांची सिटी से बाहर है इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ कम देखने को मिलेगा, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। अगर आप कामड़े साइड आते हैं तो हॉट लिप्स में ज़रूर आएँ और यहाँ का खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें, हम भी ट्राई करने जा रहे हैं। और लुकिंग वाइज ये बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ का खाना टेस्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि लुकिंग वाइज तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर आपको आराम से बैठ के खाना है तो इधर भी बैठ के खा सकते हैं, और अगर आप कपल्स आ रहे हैं तो आपके लिए हर्ट भी बहुत प्यारा प्यारा बना हुआ। एक और जगह है वो भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो चलिए उसको दिखाते हैं। चलिए आप दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बैठने वाले हैं, आइए। मैं सारे साइड आपको इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि जहाँ भी आपको अच्छा लगे देख के वहाँ बैठ सके। हमें अच्छा लगा जहाँ पर हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, तो हम वहाँ बैठेंगे। चलिए इस साइड में भी इनका बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट। हम यहाँ बैठने वाले हैं क्योंकि हमें ये वाली जगह सबसे अच्छी लगी। सही बात है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है इनका, इंटीरियर डिज़ाइन जो किया है बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अगर आपको डिम लाइट में खाना है तो आप वहाँ पर आनंद ले सकते हैं खाने का अपने, लेकिन हमको यहाँ पर ज़्यादा बेटर लग रहा था,
तो हम यहाँ पर अपने खाने का एंजॉय करेंगे। चलिए अब बैठते हैं और कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। चलिए अब आपको मेन्यू कार्ड दिखाते हैं कि इनके मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा। स्टार्टिंग यहाँ पर नॉन वेज से है, जिसमें कि मटन चिकन सब कुछ है। और ये देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा दे रहा हूँ मेन्यू कार्ड कि आपको प्राइसिंग का एक आइडिया मिल जाए कि क्या रेट्स रहता है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, डिशेस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको स्पेशली दिखा देता हूँ, जहाँ का पॉसिबल होता है लगभग दिखा ही देते हैं हम लोग, है ना खुशबू? बिल्कुल, कि मेन्यू कार्ड दिखा देते हैं ताकि एक आइडिया हो जाता है आदमी को कि क्या क्या डिशेज यहाँ पर मिलने वाले हैं और क्या प्राइसिंग है। आप वीडियो को जहाँ से भी देखना हो वहाँ से आप पॉज करके और आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और बहुत देर के बाद हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या खाना है और हमने ऑर्डर भी कर दिया है। तो हमने ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई और उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया है यहाँ का स्पेशल वेज चटपटा और साथ में इनके लिए चावल है और मेरे लिए वही बटर रोटी। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब हमारा प्लेट लग गया है यहाँ पे और जैसा कि हमेशा होता है कि अचार और ये प्याज रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब खाना बस आने ही वाला है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। इसमें सिरका डाला हुआ है ना? हाँ, वो सिरके वाला प्याज है। तो अब बस खाना आने ही वाला है। तो ये देखिए, हमारा खाना आ गया है और सर्विस बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारा खाना आ चुका है और देखिए कितने अच्छे से बर्तन में सर्व किया गया है। ये देखिए, ये छोटी छोटी कढ़ाई है और बड़ा सुंदर लग रहा है देख के, है ना? सही बात है, बहुत ही अच्छे से इसको सर्व किया गया है। और ये देखिए, ये खुशबू का चावल है। और चलिए मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खुशबू के इस चावल से। और इसके जस्ट बगल में ये चिकन कढ़ाई है हमारा और ये रहा वेज चटपटा और इसके साथ में मेरा बटर रोटी। तो अब चलिए इसको सर्व करवाते हैं और फिर हम लोग खाते हैं और फिर आपको टेस्ट बताएंगे कि कैसा है, है ना खुशबू? बिल्कुल। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का खाना देख के कैसा लग रहा है। ये देखिए, वेज चटपटा है ये, इसमें मिक्स वेज है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। इसमें सारे सब्जियाँ मिक्स करके और उसको बहुत ही चटपटे तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए, इसके बाद ये चिकन कढ़ाई। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है ना खुशबू? बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अब प्लेट रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में मज़ा आ रहा है एकदम देख के। वाह, चावल एकदम गरम गरम है। सही बात है, मज़ा आ गया। वाह, एकदम धुएं छोड़ रहा है ना खुशबू। बिल्कुल, खाना बहुत ही गरम गरम है। सर्दी में गरम खाना मिल जाए तो बात ही अलग है खाने की। अब खाने को ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। चलिए चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। मैं तो रोटी के साथ टेस्ट करके बताऊँगा, चावल के साथ खुशबू बताएगी आपको। तो रोटी बहुत सॉफ्ट है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का स्पेशल वेज चटपटा, हॉट लिप्स का ये स्पेशल है। तो ये देखिए, इसके साथ एक अच्छा सा बाइट बनाया हूँ मैं और अब इसको टेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें पनीर, मशरूम और कुछ वेजिटेबल्स मिक्स है और साथ में प्याज और मसाले हैं। बहुत अच्छे से इसको फ्राई किया गया है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। जैसा चटपटा नाम है तो इसका टेस्ट भी एकदम चटपटा है, थोड़ा स्पाइसी है, एकदम मज़ा आ गया। चलिए अब चिकन को टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसा है यहाँ का चिकन कढ़ाई। चिकन के साथ एक अच्छा सा बाइट बनाते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा बाइट बनाया हूँ, अब इसको टेस्ट करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम सॉफ्ट है। यहाँ का जो चिकन है ना, बहुत ही सॉफ्ट है। नॉर्मली आप चिकन खाइएगा तो एक रेसा टाइप का आता है, उससे ना
दांत में फंसता है या फिर वो फील नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है वो। लेकिन यहाँ का जो चिकन है बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है और जो मसाले हैं अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छे से एक टेक्सचर छोड़ रहे हैं मुँह में, तो आनंद आ जा रहा है। तो चलिए अब खुशबू बताएगी आपको चावल के साथ इसका कैसा टेस्ट लग रहा है। ट्राई करते हैं वेज चटपटा को, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही बढ़िया है वेज चटपटा का जो टेस्ट है ना, वाह मज़ा आ गया। सच में इसका नाम चटपटा इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, एकदम मतलब एक अलग ही फ्लेवर छोड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा टेस्ट कहीं कहीं मिलता है, तो मज़ा आ गया इसको खा के। तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही बढ़िया है यहाँ का खाने का जो टेस्ट है ना, सच में बहुत बढ़िया लगा मुझे। चिकन भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चलिए अब चिकन का जो पीस है वो ट्राई करते हैं और देखिए चिकन का पीस कितना बड़ा है। ये देखिए बहुत ही बड़ा पीस है, काफ़ी अच्छा पीस है। अब देखते हैं इसको ट्राई करके कि कैसा है। काफ़ी सॉफ्ट है, टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया लगा मुझे। दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ नहीं है एक चीज़ है, ऐसा नहीं है। टेस्ट वाइज सब कुछ बहुत अच्छा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चावल की क्वालिटी देखिए आप कितनी अच्छी है, ये देखिए चावल की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया सच में। तो चलिए अब हम अपने खाने को कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। खाना सच में बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया सच में। इतना दूर होने के बाद, रांची सिटी से दूर होने के बाद भी खाने में जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल मेन टाउन वाली है। ये तो बात है, है ना, बहुत ही बढ़िया है। और जो वेज चटपटा है ना, वाह मज़ा आ गया खा के सच में। इसमें बहुत सारी सब्जियां मिली हुई हैं, बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल्स मिले हुए हैं और मुझे खाते वक्त पापड़ मिला, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ इसमें पापड़ भी मिक्स है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट में, मज़ा आ गया। वेज चटपटा में ना वेजिटेबल्स है और भी तरह तरह की कई चीज़ें डाली हुई है, और साथ साथ हमने देखा कि पापड़ भी है इसमें, पापड़ को भी मैंने वेजिटेबल में मिक्स किया हुआ है, तो एक अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। आप हॉट लिप्स के किसी भी ब्रांच में जाइए तो आप ज़रूर ये वेज चटपटा ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही एक यूनिक डिश है, मज़ा आ गया बिल्कुल। और चिकन कढ़ाई तो इनकी है ही अल्टीमेट। और अगर आप कांवड़े साइड आ रहे हैं तो आप ज़रूर आइए यहाँ के इस ब्रांच में, हॉट लिप्स के इस ब्रांच में ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो चलिए अब बचा हुआ है इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो हमने खाना कंप्लीट कर लिया, बहुत ही टेस्टी था सच में, बहुत ही मज़ा आ गया। और ना अगर आप इस साइड में आ रहे हैं तो मस्टली रिकमेंडेड है हॉट लिप्स का कांवड़े वाला ये जो ब्रांच है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे और भी जगह चलेंगे आपको हॉट लिप्स के लेके, यहाँ का टेस्ट तो बहुत अल्टीमेट लगा, तो ऑल ओवर हमें बहुत अच्छा लगा। और आप भी अगर इधर आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिए हॉट लिप्स का टेस्टी वाला डिश। यहाँ का वेज चटपटा हमें बहुत पसंद आया और चिकन कढ़ाई भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए मैं आपको एक बार यहाँ का बिल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।